हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे होंगे और इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर रहे होंगे। मैं हूँ बालानाथ गोस्वामी और हम सीखेंगे राइनोफाइट कैट 3D। और ये हमारा डे 6 है। आज हम 3D पीकॉक सीखेंगे और डायमंड यूज़ करेंगे राउंड 1.8 और मार्किस यूज़ करेंगे 3x6 का। इंपॉर्टेंट कमांड ट्यूटोरियल सफायर एक्सट्रूड सरफेस कर्व प्रोजेक्ट ऑन सरफेस एरे अलोंग कर्व और इसके अलावा बेसिक कमांड जो कि हम रेगुलर में यूज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पीकॉक डिज़ाइन कैसे शुरू करें आपको बताते हैं। सबसे पहले टॉप व्यू में जाएंगे और मैंने जितना ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है तो उसे शॉर्ट टाइम वीडियो बनाने के लिए मैंने कुछ 2D और डायमंड कॉलेट्स पहले से ही बना कर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, इस 2D को हम अब 3D में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पिकॉक। और इस पिकॉक को हम कितनी आसानी से आज बनाएंगे आप देख सकते हैं। आपका 2D अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैंने लाइन कमांड लिया और लाइन कमांड को लेकर मैं इसे रिबिल्ड कमांड की हेल्प से इसके पॉइंट्स बढ़ाऊंगा। रिबिल्ड कमांड लिया, नीचे टू ऊपर 4 पॉइंट्स लेकर मूव वर्टिकल करके इसे डोम दूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मूव वर्टिकल के लिए एम स्पेस वी स्पेस करना है आपको। शॉर्टकट कमांड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने इसे दो बार और रिबिल्ड भी किया है। और इस लाइन के एंड में एक पॉइंट हमें रखना होगा, जो कि हमें स्विफ्ट ट्यूटोरियल कमांड के लिए कंपलसरी लेना ही होता है। स्विफ्ट ट्यूटोरियल कमांड यूज़ किया, आमने सामने के कर्व को सिलेक्ट किया और पॉइंट्स को लिया और बीच वाले लाइन को, फिर पॉइंट को लिया। ये हमारा स्विफ्ट ट्यूटोरियल हो रहा है। और ऐड स्लैश करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें सरफेस को प्रॉपर करना है तो आपको ऐड स्लैश ज़रूर करना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पिकॉक कुछ सेकंडों में रेडी हो चुका है, जिसे हम सरफेस कहते हैं। इसे हमें पॉली सरफेस करना है। इसके पहले हम इसके नीचे के पार्ट को 3D में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम सॉलिड में जाएंगे और एक्सट्रूड सरफेस कमांड लेकर -0.8 ले लिया है मैंने और ये पॉली सरफेस बन चुका है। इसे मैं मूव करूँगा और इसके लिए ऑर्थो ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। आप नीचे देख सकते हैं ग्रिप स्नैप के बगल में ऑर्थो है। अब दोस्तों, इसे हम ऊपर की तरफ से डोम करेंगे। उसके लिए मुझे सबसे पहले कर्व को तोड़ने होंगे और जो एंड के पॉइंट हैं उनको रिबिल्ड करके मूव वर्टिकल की हेल्प से डोम करना है, जैसा कि मैंने पिकॉक को किया था। यहाँ पे कुछ कर्व टूट चुके हैं, जिन्हें हमें अब प्रॉपर जॉइंट करना होगा और जॉइन करने के बाद उन्हें रिबिल्ड करना भी ज़रूरी होता है। ये सारे कर्व मैंने जॉइन कर लिए हैं। मैंने एक्सट्रैक्ट कमांड यूज़ किया था, जिससे ये टूट गए थे और मैंने रिबिल्ड कर रहा हूँ और ये हो चुका है। अब मैं इनके बाहरी कर्व को सिलेक्ट कर रिबिल्ड कमांड की हेल्प से नीचे 2 डिग्री, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, इसे मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ और जो अनवांटेड कर्व हैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ। और मैंने ये डिलीट कर दिया। अब मैंने सारे के सारे कर्व सिलेक्ट किए और ये रहा, पॉइंट्स ऑन किया और पॉइंट की हेल्प सिलेक्शन कर कर इसे हम मूव वर्टिकल करेंगे और उसे फिर स्विफ्ट ट्यूटोरियल कमांड की हेल्प से स्विफ्ट ट्यूटोरियल करेंगे। ये मैंने मूव वर्टिकल किया, एम स्पेस वी स्पेस और ऊपर की तरफ 0.35 का मैंने मूव कर दिया है। ये रहा हमारा सरफेस और इसे मैं ऐड स्लैश करूँगा। ऐड स्लैश हमें स्विफ्ट ट्यूटोरियल के बाद हमेशा यूज़ करना चाहिए। स्विफ्ट ट्यूटोरियल कमांड लिया और डोम वाले कर्व को सिलेक्ट किया और ये ऐड स्लैश की हेल्प से नियर और सामने की तरफ परपेंडिकुलर पकड़ा और ये हमारे कर्व, हमारा जो सरफेस है उस
वो स्मूथ हो रहा है। अब इस सरफेस को हम जो मैंने एक्सट्रूड किया था उसके निचले सरफेस के साथ हमें स्विफ्ट रोल करना है। इसे मैंने ले लिया है और ऊपर वाले सरफेस को मैं अब यूज़ नहीं करूँगा और इसे मैंने मूव कर लिया है डोम वाले सरफेस के साथ। अब मैं इनका डुप्लीकेट बॉर्डर निकालूँगा, ये रहा डुप्लीकेट बॉर्डर। और सबसे पहले राइट साइड वाले सरफेस को मैं पॉली सरफेस बनाने जा रहा हूँ। इनका एंड पकड़ा लाइन कमांड की हेल्प से और स्विफ्ट टू रेल एस टू स्पेस करके मैंने इसे बना दिया है। यहाँ पे भी मैंने लाइन कमांड की हेल्प से स्विफ्ट टू रेल और ये वाला को भी मैंने लाइन कमांड की हेल्प लूँगा और कमांड लूँगा एस टू स्पेस और ये हमारा तीसरा भी सरफेस रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिकॉक का और उसके नीचे जो उसके लेग्स होंगे उनका हमने 3D कर दिया है और इस पिकॉक को भी हमें सरफेस से पॉली सरफेस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने उसे ऑफसेट मारा था और जो बचा मिला हुआ सरफेस है उसके डुप्लीकेट बॉर्डर लिए और एक लाइन की हेल्प से मैंने उसे प्रोजेक्ट किया सरफेस पे, जिससे हमें डोम मिला। अब मैं इन्हें दोनों तरफ से कट कर रहा हूँ और इसका जो चोच है वहाँ से भी कट करूँगा, जिसकी हेल्प से मैं स्विफ्ट रेल कमांड कर पाऊँगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो हमारा स्विफ्ट रेल कमांड यूज़ नहीं हो पाएगा और हमें प्रॉपर सरफेस नहीं मिल पाएगा, जैसा कि हमें ज्वेलरी के लिए चाहिए होता है। अब मैं इसे थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करूँगा क्योंकि ऊपर का जो पिकॉक का 2D था वो और नीचे का जो ऑफसेट मारने के बाद ख़राब हुआ था वो एक जैसा नहीं होगा तो डिज़ाइन हमारी अच्छी नहीं बनेगी और हमारे सरफेस भी अच्छे नहीं होंगे। अगर हमारे सरफेस अच्छे नहीं होंगे तो हमको आउटपुट भी अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने नीचे के सरफेस को जितना हो सके उतना रिबिल्ड किया है और उसे हमने कर्व और पॉइंट्स और मूव कमांड की हेल्प से रिपेयर किया। ये स्विफ्ट रेल मैंने यूज़ कर लिया, एड स्लैश यूज़ करने जा रहा हूँ। एड स्लैश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे जितने भी एड स्लैश की ज़रूरत पड़े हमें यूज़ करने हैं। इस डिज़ाइन में हमने 5 से 6 एड स्लैश यूज़ किए। अब जो ऊपर वाला सरफेस था उसको हम इस नए सरफेस से स्विफ्ट ट्रेल करेंगे और ज्वाइन करेंगे, जिससे ये एक पॉली सरफेस बन जाएगा। जी हाँ, डुप्लीकेट बॉर्डर ले लिया है और लाइन कमांड की हेल्प से हम इसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और एड स्लैश से पहले इसे हम इस सरफेस को सही करेंगे क्योंकि इसके सरफेस फोल्ड हुए हैं जिन्हें सीधा करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फोल्डेड रहेंगे तो हमारा मेटल भी ख़राब आएगा और ख़राब मेटल डैमेज होने का डर है उसमें। ये मैंने एड स्लैश कर दिए हैं और ये सरफेस हमारा जॉइंट हो चुका है। अब ये सरफेस पॉली सरफेस बन चुका है और इसको हम प्रॉपर्टीज़ में जाके ऑब्जेक्ट के अंदर विजिबल से अनविजिबल कर देंगे। अब इसके अंदर के जो वायर्स थे वो इनविजिबल हो चुके हैं। अब ये नीचे का सरफेस मैं ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करूँगा, उसके पहले मुझे एक सरफेस चाहिए ऊपर वाला। जी, मैंने नीचे वाले को सिलेक्ट किया और ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है और हमारे पास एक सरफेस मिल गया है। इससे हम नेक बनाएंगे। इस आइसो कर्व से मैंने EI स्पेस की हेल्प से आइसो कर्व लिया था। अब इसे हम उस नेक तक पहुंचाएंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। जो कर्व मैंने प्रोजेक्ट किया था उसे भी हम थोड़ा बहुत रिबिल्ड कर लेते हैं कि कहीं चूक ना हो जाए। अगर कहीं भी चूक होगी तो हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा, तो जितना हो सके हमें उसे
बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। ये रहा हमारा स्विफ्ट ट्वेल कमांड, और ये हमारा सरफेस को हमने ऐड स्लैश करके अच्छा कर दिया है। इसे मैं बोथ साइड एक्सट्रूड मारूंगा, और ये मैंने 0.5 का एक्सट्रूड मार दिया है, और यहाँ पे मैं नेक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कैसे बन पाता है। ये नेक बन रहा है, एक साइड ब्रॉड और एक साइड नैरो। चलिए देखते हैं कैसा दिखता है ये। अगर इसमें हमें कुछ ख़राबी दिखे तो हम फिर से कुछ नया आइडिया करेंगे। जी हाँ, हमने इसे भी स्विफ्ट ट्वेल किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो भी कमांड मैं ले रहा हूँ वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने इसे ऑफसेट मारा तो ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया तरीका यूज़ करना होगा। दोस्तों, इस काम को करने के लिए हमें कम से कम 2-3 तरीके से इसे करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि एक बार में हम इसे बना दें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लाइव वीडियो है तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन उसका समाधान भी इसी वीडियो में हम साथ साथ में लेकर चल रहे हैं। अब मैं इसे कुछ अलग तरीके से करने वाला हूँ। पहले हम चोंच बना लेते हैं। चोंच का सरफेस हमारे पास रेडी था, और ये जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डायमंड के कॉलेट पहले से ही मैंने बना के रखे थे, जो कि कॉलेट की हेल्प से बनते हैं। और कॉलेट बनाना हमने पिछले वीडियोस में देखा था, तो अगर आपको कॉलेट बनाना नहीं आता है तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और ये मैंने लाइन ले लिया है, और इस लाइन को मैं इस सरफेस पर प्रोजेक्ट करूँगा। सिलेक्शन किया, प्रोजेक्ट किया, हाँ ये लाइन आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि इसका आउटपुट मुझे पहले से बेहतर मिलेगा। ये मैंने कर्व को डुप्लीकेट एज लिया, और स्प्लिट कमांड के हेल्प से कर्व को स्प्लिट करूँगा। और ये मैं फिर से एक बार स्विफ्ट ट्वेल कमांड ले रहा हूँ, और ये हमारा सरफेस एक बार फिर रेडी हो चुका है। जी हाँ, पॉइंट्स कम करने होंगे। जितने कम पॉइंट होंगे उतने ही वायर्स कम मिलेंगे हमें, और ऑफसेट वगैरह मारने में भी उससे हमें आसानी होगी। सरफेस सही नहीं आ रहा है, फिर से हम एक बार कोशिश करते हैं। नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, मूव वर्टिकल की हेल्प से मैंने सरफेस को ऊपर किया और उसे एक्सट्रूड कर दिया। तो देखिए, इस तरह से हमें 2-3 बार कोशिश करनी होती है। जैसा भी हमें सरफेस मिले, हमें खुद डिसाइड करना है वो अच्छा है या नहीं है। अगर हमें ख़राब लगे तो हमें दूसरे तरीके से उसे करना होता है। अब हम पिकॉक के पेट के ऊपर से जो एश शेप जा रहा है उसके ऊपर बॉल बिठाएंगे, जिससे हमारा पिकॉक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, ये मैं बॉल ले रहा हूँ सफ़ेद कमांड की हेल्प से, और इसे मैं एरे अलोंग का करूँगा। मूव वर्टिकल की हेल्प से मैंने उसे थोड़ा सा ऊपर ले लिया है, और एरे अलोंग को सबसे पहले 1.5 का डिस्टेंस रख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इसे और कम करना चाहिए। 1.35 का डिस्टेंस ले लिया है। हाँ, अब ये अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों, ये कॉलेट और डायमंड्स मैंने अनहाइड कर दिए हैं, और ये हमारा अट्रैक्टिव पेंडेंट रेडी हो चुका है। आप भी इसे अपने घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसे इसमें डायमंड भी बिठा सकते हैं। जी हाँ, और ये आपका बेहतरीन पेंडेंट तैयार हो चुका है।
ये रहा, मैं इसमें कलर्स डाल रहा हूँ। डायमंड के कलर गोल्डन नहीं होते, उसे हम कुछ अलग कलर देंगे। पिंक डाल के देखते हैं पिंक कैसा लग रहा है। ओके, पहले से बहुत बेटर है ये। जी हाँ, ये अब अच्छा लग रहा है। अगर हम 2D अच्छा बनाएंगे तो हमें 3D भी अच्छी मिलेगी। अगर 2D में हमारी कुछ मिस्टेक्स होंगे तो हमारा 3D डिज़ाइन भी अच्छा नहीं बन पाएगा। अब मैं पिकॉक के आउटर को डुप्लीकेट एज की हेल्प से कर्व ले लूँगा और उसे नीचे की तरफ एक्सट्रूड करूँगा, जिससे हम सरफेस बना पाएंगे। और उस सरफेस की हेल्प से हम इस पेंडेंट को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर पाएंगे। जी हाँ, अंदर की तरफ 0.8 का मैंने सरफेस लिया है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सरफेस ख़राब हुआ था, इसलिए हम इसे रिबिल्ड करेंगे आउटर सरफेस को और कर्व को, और अंदर की तरफ फिर ऑफसेट मारेंगे। अब देखिए, हमें प्रॉपर ऑफसेट मिला है। इस तरह के ट्रिक्स हमें यूज़ करने होते हैं। आप भी ज़रूर ऐसा करके देखें तो आपका काम प्रॉपर होगा। ये मैंने सरफेस बना दिया और इसे अपनी जगह पर मूव कर लिया है। मूव कमांड यूज़ करने के समय हमें ऑर्थो ऑन ज़रूर रखना है। जी हाँ, ये रहा हमारा। इसे फिर से हम गोल्डन कलर देंगे। जी, ये गोल्डन कलर कर दिया है मैंने। अब ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बन गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।